हमारी बात सत्यवान सावित्री के किस्से से कि जिस समय वो सावित्री उस सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लेती है और उसके साथ चलने की तैयारी करती है, जिद करती है। सत्यवान न्यू के लागे के सावित्री तू राज में लाके रहने आई और मैं एक गरीब दुखिया, माता पिता मेरे अंधे, मेरे साथ बियाबान जंगल में तू दुख पावेगी। अभी भी समय है, तू एक काम कर ले, अपने पिता के घर वापिस चली जा। सजनों, कैसे एक बात के द्वारा उस सावित्री को समझाता है सत्यवान, क्या बता बोला। शर्मा दिया है ओड़ परोने मिल के हमें दादा मेहर सिंह का पोता की शादी थी। मास्टर जी भी आ रहे, इनके गुरु जी भी आ रहे। इनके गुरु जी बड़े रंगीले हैं भाई। मैं इनके गुरु जी ने कहना क्या माँ पाग हाथ ला गया माँ गुरु जी बोला हा माँ ये आका का आम क्यों कर ला गए बोला न्यू क्यों कर माँ तू इतना रंगीला चेला इतना शुद्धा भाई बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है।
और भाई इनके साथ रंग काट की कोई बात नहीं है भाई, अलग हैं भाई। इनके नाम से एक बारी जोरदार ताड़ी बजा दो, कोशिश करेंगे बाकी। हेलो, हमारे आदरणीय हैं, कैसे? हेलो हेलो, हेलो हेलो। वो जब वो पांडव ज्ञातवास में थे, हेलो हेलो, सारंद्री के भेष में द्रौपदी, उस कीचक ने उस द्रौपदी को देखा और उस पर मोहित हो गया। अपनी बाण सुदेशना ने कहन लाग्या, बेबे या कुण से? हेलो, बोले भाई या दासी आए? बोले इतनी सुतरी सियान सकल की दासी हो आ करे, या तो पटरानी बनन की है, रानी बनन की है, और मदिरा की बोतल दे और मेरे वाले सैन कक्ष में भेज। बोले रे या दासी, एक बात के द्वारा वो कीचक अपनी बाण सुदेशना ने क्या कहता है, कोशिश करांगे बगाया नहीं हमने यो रंग कैसे क्या लिए। हे वो है उसका सेवा समिति भगत पूर्णमल मंदिर के बहुत अच्छे भगत जी, हमारे आदरणीय हजारी लाल जी के नाम से उनके सपुत्र जी, काफी मान सम्मान सभी कलाकारों का किया, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाई आज के टाइम में सुरेश ही रंगकाट में बढ़िया चल रहा है,
अरे ये लड़ाक रहे न्यू, हमने तो कोई रंग सिमन सिम आ जाते उसने गाले हैं, और ना थे हमने तो रंग काट का कई साल हो गए, बिल्कुल बंद कर रखा है यो बिड़ाम बिड़ा का, पर स्वाद ले रहे, स्वाद लेने के लिए गाते हैं। कैसी दूसरी कली में और सावित्री न्यू के लागी के महाराज तेरे साथ चलूंगी, सत्यवान न्यू बोला के सावित्री दुख पावेगी, बियाबान जंगल में तेरे साथ कोई नहीं मिलेगा, मेरे मात पिता वो भी अंधे हैं, कैसे दूसरी गली में क्या बताता है। Oh, रम मैं नीत राखिए, नदन्यू
मुझको बुलाया, मैं परदेसी करने वापस आया। तूने फूल दे मुझको बुलाया, मैं परदेसी करे वापस आया। ओ मैं परदेसी करे वापस आया। तीसरे नंबर पे सोरे आदरणीय राकेश सरपंच साहब बीठला गांव से सरपंच है राकेश जी, और सोनू सरपंच साहब डाकला से 100-100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे आदरणियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी, क्या लिखा तीसरे नंबर पर? जिंदगी पूरी।
इस दासी के बदले